सुबह जब उठे तो इनके पास नारद मुनि आए, और नारद मुनि जो है उन्होंने इनसे पूछा कि आप लोग रह रहे हैं घर में सब कुशल मंगल है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं? कहता नहीं नहीं बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। कहता वैसे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्यों? क्योंकि जब एक ही पत्नी है, जब एक ही स्त्री है, पति कई सारे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, मतभेद आ सकता है, मनभेद आ सकता है। तो उसके लिए फिर उन्होंने वही स्टोरी सुनाई जो कि रामायण में भी आती है, सुंड की और उपसुंड की। इस तरह से दोनों भाई थे, राक्षस थे, खतरनाक थे, तपस्या की इन्होंने, घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी से को प्रसन्न कर लिया इन्होंने। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा अमरता चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे खोपड़े में और कुछ चलता नहीं है, सिर्फ अमरता ही चलती है, जो मैं नहीं दे सकता तुम पहले वही मांगते हो, चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे जो भी हो, इसके अलावा कुछ और मांगो। कहता ओहो ठीक है, अगर हम मरे तो सिर्फ एक दूसरे के हाथों मरे बस, लेकिन हमें इतना प्यार है, सुंड उपसुंड घना प्यार था दोनों में, तो दोनों जो है ऐसे जफ्फी मारे हुए थे एक दूसरे। कहते हैं हम मरे तो एक दूसरे के हाथों से ही मरे, लेकिन दूसरे किसी को कैसे मारेंगे, वी लव ईच अदर लाइक एनीथिंग। तो दोनों में बड़ा घना प्यार था। फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, आप दोनों में इतना ही प्यार है तो ऑलराइट। इसके बाद इन दोनों ने जो है अपने तपस्या के बल पे जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया था हाहाकार मचा के रखा हुआ था, जितने देवी देवता थे उनको जो है अपने सामने लड़ा दे। कहते इंद्र भाई कुर्सी छोड़ दे अपनी, भाई तो मरना पड़ेगा, ये पूरा स्वर्ग में हाहाकार मचा के रखा है, ब्राह्मणों खा जाया करते थे, दोनों मिलके खाते थे, ब्राह्मण की एक टांगे पकड़े एक पड़ेगा उसको चीर देंगे, आधा वो खाएगा आधा ये खाएगा, ऐसे ही हाल करते थे। तो इसलिए हाहाकार मचा रहा था, तो देवी देवता ने कहा कि ना हमारे भी बुरे हाल है, नीचे ब्राह्मणों के बुरे हाल है, इनका कुछ करना चाहिए। तो इससे पहले कई सारी अप्सराएं भेजी हालांकि इंद्र ने, वो तखाथाई करती थी, तो लेकिन ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते, कहते हैं तू हमको नहीं बांट पाएगी, दफा हो जाए यहां से, आएगी तो अपनी बहन के साथ, अकेली नहीं, जाए यहां से। कहते मेरी कोई बहन नहीं है, जाए यहां से, फिर वहां झाड़ू पोछा मार फिर। तो ऐसे अप्सराएं आती थी, इनको टेम्प्ट करना चाहती थी, लेकिन टेम्प्ट नहीं हो पाते थे। कई सारी अप्सराएं आ जाती थी, आ गई 11 आ गई उनसे, कहते अब तो आपको बहुत सारी हैं। कहते नहीं, अगर बहुत सारी है तो किसी एक को मरना होगा ताकि 5 और 5 डिवाइड हो सके हम में। कहते बड़ी एकता है इनके अंदर तो। कहते भाई इनके तो एक बार ऐसा भी हो, उन्हें एक माया जाल जला देवताओं ने कि उनकी उनकी जो बहन है वो बोल रही है संड को उपसंड को, तुम लोगों से कट्टी है, आज से हम देवताओं के पास जा रही हैं, और उनके सामने जो है देवताओं के पास जा रही हैं, उनकी उनकी बहनें, उनकी बहुएं देवताओं के पास जा रही हैं, देवताओं के पास खुश हैं, उनको ऐसे दिखा रही हैं। तो लेकिन उन्होंने फिर भी अपना हाथ पकड़ा था, कहते भाई भले ही हमें दुनिया छोड़ दे लेकिन हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, कि तेरी मेरी यारी ये दोस्ती हमारी किसी को नहीं पसंद है लेकिन हमको तो है प्यारी। तो दोनों जो है तो आप देवी देवता सोचते भाई क्या किया जाए, इनमें तो फूटी नहीं डल रही है, इनमें तो कितना हमने ड्रामेबाजी कर ली, अप्सराएं भेज दी, ये तो अप्सराओं को मार के खा जाए तो ऐसे है। तो फिर ब्रह्मा जी के पास है, ब्रह्मा जी क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा देखो क्योंकि इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है ना, इसलिए तोड़ने के लिए कुछ काम भी बढ़िया करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी को इन्वाइट किया, और विश्वकर्मा जी ने सबसे बेहतरीन 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 सुभान अल्लाह एकदम ऐसी अप्सरा बनाई, उसमें प्राण फूके ब्रह्मा जी ने, उसको सारे 8 पाठ सिखाएगी, तका दिन करने की, तका दिन चक वो भी करना, एडवांस लेवल कोर्सेज सिखाया गया इसको, इसका नाम था तिलोत्तमा। फिर ये आई इन दोनों के पास, इन दोनों के पास जब आई तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, तो दोनों ने उसको देखा, कहते वाह, दोनों ने एक साथ ही बोला वाव वाव, शी सो गुड, शी सो कूल, शी सो नाइस, शी सो ओ वाव, ये मेरी है, ये मेरी है, भाई नहीं ये तो मेरी है, नहीं भाई ये तो मेरी है, भाई 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 वो मेरी है, नहीं वो मेरी है, भाई नहीं भाई भाई देख मैं कितनी अप्सराएं मैंने त्याग की तेरे लिए, मैंने क्या नहीं की, मैंने भी तो की है, तिलोत्तमा मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी मेरी मेरी। दोनों भिड़ गए, वो जो हाथ जो ऐसे हुए हुए थे वो हाथ अब ऐसे हो गए, और तिलोत्तमा कह रही थी मुझको तो आप पसंद है, आप जब किया तो उसने दोनों के बीच में किया, उसको लगा इसने मेरी और किया, उसने क्या वो मेरे को बोली, मेरे को बोली,
मेरे को बोली, अरे दोनों के दोनों और भिड़ गए आपस, दोनों एक दूसरे के बाल नोचने लगे, बाल नोचते नोचते इसके बाल उसके हाथ, इसके उसके हाथ, दोनों गंजे हो गए, खून बह रहे हैं दोनों के, मुष्टिक प्रहार कर रहे हैं, पेट में लात घुसे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं दोनों, कभी ये उसको चित करता है, कभी ये उसको चित करता है। फाइनली क्या किया, दोनों ने एक दूसरे के चेस्ट पे हाथ मारा, दोनों ने एक दूसरे की छाती फाड़ दी, दोनों मर गए। और मरे तिलोत्तमा, दोनों तिलोत्तमा को याद करते करते मर गए। सुन लो ऑप्शन, तो ये नारद मुनि ने कहानी सुनाई उनको, क्या देखो एक तिलोत्तमा आई, दोनों भाइयों में बैर पड़ गया, तुम पांच भाई हो, समझ गए ना मेरा इशारा किस और है। दुष्ट मारने का मैं समझ आपका इशारा किस और है, कि हमारे भाइयों के बीच में कहीं फूटना पड़ जाए द्रौपदी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने डिसाइड किया हुआ है कि अगर कोई भाई हम में से अगर द्रौपदी के साथ है तो बाकी जो पांचों भाई हैं वो उस तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि बाहर बोर्ड लगा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर द्रौपदी अंदर है किसी के साथ है तो बाहर बोर्ड लगा दिया, द्रौपदी विद नकुल, कहे भाई बाहर बोर्ड लगा है, अंदर जाना नहीं। अगर कभी देख लिया किसी ने दूसरे भाई को द्रौपदी के साथ, उसको फिर 12 साल के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको जंगल में भेज दिया जाएगा उसको। तो ये डिसाइड हुआ था कि जो भी जब द्रौपदी के साथ है तो बाहर बोर्ड लगा दिया जाएगा फ्लेक्स पे, ओके द्रौपदी विद अर्जुन, मतलब भाई अंदर, लेट्स गो आउटसाइड। तो ये हमारे बीच में पैक्ट हो गया, तो फिर नारद मुनि ने कहा दैट्स वेरी नाइस। तो इसीलिए जब आपस में सेंस ऑफ कोऑपरेशन रहती है इस तरह से, तो फिर भले ही रिसोर्सेज अगर कम भी होते हैं, इवन दैट डिवोटीज आर हैप्पी। यहां पर एक द्रौपदी है, पांचों भाई खुश हैं सेंस ऑफ कोऑपरेशन की वजह से। बहुत सारे रिसोर्सेज भी हों लेकिन आपस में सेंस ऑफ कोऑपरेशन अगर नहीं होती, तो भी जब आपस में सर्वर पीट रहे होते हैं लोग, लेकिन सेंस ऑफ कोऑपरेशन होती है भले ही रिसोर्सेज कम भी हों, इवन देन दे मैनेज। कब कैसे क्या मैनेज करना है, दे मैनेज क्योंकि सेंस ऑफ कोऑपरेशन है। तो इसीलिए मेन है आपस में सद्भावना रखना। इसलिए प्रीचिंग में हम करते हैं ना, प्रीचिंग में सबसे जरूरी है प्रचारकों का आपस में बड़ा प्यार होना। अगर प्रचारकों का आपस में प्यार नहीं होता ना अगर, तो कितने रिसोर्सेज मिल जाए वो कम ही पड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काट रहे होते हैं। सो दैट फेज अ डिवोटी इज ऑलवेज वन हु इज ड्रिवन बाय द सेंस ऑफ कोऑपरेशन, ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर सेंस ऑफ कोऑपरेशन, इवन दो देयर इज वन वाइफ फाइव हस्बैंड्स, देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट, कभी भी नहीं, भाइयों हमेशा प्यार इसी प्रकार से बना रहा। All right, तो हम यहीं पे विराम देंगे आज।